नमस्कार, मैं निकिता वागदे, स्टार एपिक्स न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग देश में वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। क्या लड़कियाँ आगे बढ़ रही है, क्या सच में लड़कियाँ प्रगति कर रही है, तो उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लड़कियों ने कांग्रेस में प्रवेश लिया है। जानते हैं हम उनकी राय। आपको क्या लगता है कि 2019 में देश का युवा और लोग किसको अपना प्रधानमंत्री चुने? अभी 2019 में आते आते राहुल गांधी जी जो है उनका ग्राफ बढ़ रहा है, और 2014 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी को सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू चुना गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार राहुल गांधी जी को फुल सपोर्ट मिलेगा और वो लोकशाही के माध्यम से चुनाव जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि राहुल गांधी को फुल सपोर्ट मिलेगा। अब आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि देश के युवा को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जैसे हम 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे सिर्फ एक मार्कशीट और जो जिस एग्जाम मतलब जैसे मैंने LLB में एंटर किया तो उसके लिए मुझे CET लॉ देनी पड़ी, तो सिर्फ वो CET लॉ के जो मार्क्स है वो देखने चाहिए और 12th में कितने परसेंटेज है वो देखने चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो OBC वालों के लिए मतलब कर दी गई है कंपलसरी, एंड कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, तो वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड और एक सेकेंड बात मैं बोलना चाहूँगी कि स्कॉलरशिप की, जैसे लास्ट ईयर मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था तो मेरी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं है, लेकिन अभी जब चुनाव का समय आ रहा है तो जो इसने अभी मेरे सिस्टर ने की अप्लाई तो उसका जो मतलब उसकी स्कॉलरशिप अभी आ चुकी है लेकिन मेरी अभी तक आई नहीं। आपको क्या लगता है कि देश के युवाओं की क्या मांग है? जो मैंने बोला, हाँ, वेल एजुकेशन। इन फ्यूचर आप NSUI को बढ़ाने के लिए क्या करोगे? मैं हम लोग NSUI के फायदे यंगस्टर्स को बताएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि NSUI ज्वाइन करें, जिससे युवाओं के प्रॉब्लम सॉल्व होगी और राहुल जी के विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ेंगे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए स्टार एपिक्स न्यूज़ स्टार का वार।